वेलकम टू पार्ट टू ऑफ द यूनिवर्सिटी विजिट दोस्तों। पार्ट वन का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, काफी सारा फीडबैक मुझे मिला जो मैं फ्यूचर वीडियोस में डेफिनेटली अप्लाई करूंगा। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि ग्रैड स्कूल कैसा है, जो फ्री एजुकेशन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि GTA और GRA होता है जिसके थ्रू मैंने अपनी एजुकेशन ली है। मेरा भाई करंटली एक GTA है, तो वो कैसे काम करता है पूरा कॉन्सेप्ट की मास्टर की डिग्री अमेरिका में रह के आप फ्री में ले सकते हैं, और साथ ही साथ ग्रैड स्कूल स्टूडेंट्स कहाँ रहते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं आज के वीडियो में, ये चीज़ें कवर करते हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं कैंसर स्टेट यूनिवर्सिटी, फाउंडेड इन 1863। एग्जैक्टली 157 साल हो चुके हैं यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश हुए। पीछे जो आपको दिख रहा है वहाँ पे, वो है केस स्टेट एलुमनाई सेंटर। यहाँ पे जो भी कॉलेज के एलुमनाइज हैं उन लोगों का सभी का एनरोलमेंट रहता है। ये हमें हर साल और हर कुछ मंथ्स में कांटेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स अपडेट करते हैं, ब्रोशर्स भेजते हैं, यूनिवर्सिटी में कितने फंड्स हैं, क्या क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उसके बारे में एलुमनाइज को इन्फो करते हैं। और हमसे डोनेशंस भी ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स हमने यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया है। पीछे आप देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर म्यूज़ियम, जो मेमोरियल स्टेडियम है वो है। ये है ओल्ड स्टेडियम, सो नया स्टेडियम के स्टेट का काफ़ी बड़ा है यूनिवर्सिटी का, पर ये जो आप देख रहे हैं ये ओल्ड स्टेडियम। स्टूडेंट्स यहाँ पे फुटबॉल, सॉकर और क्रिकेट भी कभी कभी खेलते हैं हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है जो हमारी और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में है, वो है यहाँ हर यूनिवर्सिटी का एक मास्कट होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था कि वाइल्ड कैट हमारा मास्कट है, और हर यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड कलर होता है। तो कैंसर स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड कलर पर्पल है, रॉयल पर्पल। सो इसलिए आप देख रहे होंगे कि हर जगह रॉयल पर्पल यूज़ किया। पीछे जो अम्ब्रेलाज हैं उनमें जगह जगह जो बैनर्स लगे हैं वो पर्पल हैं। यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम चीज़ों का कलर पर्पल है, इवन जो इवनिंग में लाइटिंग होती है वो भी पूरी पर्पल होती है स्टेडियम पे और हर जगह। एक यूनिवर्सिटी से जो हमें एक अटैचमेंट है उसके लिए हम यहाँ के सुवेनियर्स खरीदते हैं अपनी फैमिली के लिए भी। सो यूनिवर्सिटी की जैकेट होती है, यूनिवर्सिटी के कपड़े हैं, यूनिवर्सिटी का लोगो है। तो देखिए, जैसे ये मैंने भी लगा रखा है वाइल्ड कैट का लोगो अपनी गाड़ी के पीछे। सो स्टील का लोगो है गाड़ी के पीछे, अपनी दूसरी गाड़ी है उसके पीछे भी मैंने वाइल्ड कैट स्टिकर लगा रखा है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत कॉमन है, और बहुत बड़े बड़े फैंस हैं यहाँ पे। जनरेशन से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सेम यूनिवर्सिटी में, ग्रैंड पेरेंट टू ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी यहीं पे थे, फिर उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे, बिकॉज 157 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो एक लेगेसी होती है यूनिवर्सिटी यहाँ पे, और बहुत लोगों को प्राइड होता है अपनी यूनिवर्सिटी पे। कार्स के पीछे स्लोगन्स हैं, कार के पीछे नंबर प्लेट है, गाड़ी में कई सारी एक्सेसरीज हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी की होती है। सो ये बहुत कॉमन एक कल्चर का पार्ट है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ अपना प्रमोशन जो है, एडवर्टीजमेंट जो है, वो सुवेनियर्स के थ्रू करती है। सो काफ़ी डिफरेंट है हमारे यहाँ से। और अब आपको लेके चलता हूँ यूनिवर्सिटी की जो सबसे पहली बिल्डिंग थी, जो 1863 में बनी है, उस बिल्डिंग के वहाँ लेके चलता हूँ। सो वो देखने चलते हैं कि वो बिल्डिंग कैसी है। तो ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है 1863 में बनी हुई एंडरसन हॉल, जो कि कैंसर स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली बिल्डिंग है। पीछे आप जो देख रहे हैं वो है मैकेन ऑडिटोरियम, जो दूर आपको दिख रहा है वो मैकेन ऑडिटोरियम। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है जहाँ पे कई बड़े बड़े शोज़ होते हैं, बड़े बड़े स्टार्स परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। पूरे थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि IIT बॉम्बे में हमारे यहाँ होता है मूड इंडिगो। सिमिलरली यहाँ पे भी कई सारे इवेंट्स होते हैं, बट बहुत बड़े बड़े, पिफ द ड्रैगन, डेविड ब्लेन जो है मजिशियन, इस तरह के बड़े बड़े लोग आके परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत चीप में स्टूडेंट्स को टिकट मिलती हैं, पर बाकी लोगों के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो वो जो शोज़ हमें अटेंड करने के लिए 50, 60 या 100 डॉलर्स देना पड़ते हैं, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये का एक शो है, वो शो स्टूडेंट्स को मिल जाता है अराउंड $10, $15 या $8 में। सो जो बहुत अच्छी फैसिलिटी है यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए। सो कई सारी चीज़ें इस तरह की जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी अदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें भी पार्ट लें और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकें। तो ऑन कैंपस जो यूनिवर्सिटी में एटमॉस्फेयर है वो अच्छा रहे, इसलिए यूनिवर्सिटी कई सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को ऑफर करती है। स्टूडेंट्स खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है, और हर सेमेस्टर में आपको कोई कोर्स वर्क नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि हर सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स जो आपको लेना ही है, वो सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जो सब्जेक्ट आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। आप जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तब भी आपको ये डिसाइड नहीं करना होता कि आप कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे या आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे या आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, आप कुछ कोर्सेज पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, और देन यू कैन डिसाइड ऑन सेकेंड ईयर और इवन थर्ड ईयर
कि आपको ये करियर पसंद नहीं है तो आप स्विच कर सकते हैं। ये ऑप्शन बहुत अच्छा होता है जो अवेलेबल है स्टूडेंट्स को ये डिसाइड करने के लिए कि उन्हें क्या पढ़ना है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो पढ़ने के लिए आए, कंप्यूटर साइंस नहीं पसंद आया, देन मूव किया MIS में और अभी मास कम्युनिकेशन या कुछ और पढ़ रहे हैं। सो काफ़ी हेल्पिंग एक सिस्टम है जिससे आप जो आपको करियर चूज़ करना है वो चूज़ कर पाते हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है चाटा इन अपार्टमेंट्स, 1957 में फाउंड हुए। ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है हाउसिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यानी कि जो मास्टर्स डिग्री या PhD करने आते हैं उनके लिए, या जो स्कॉलर्स हैं जो बाहर से रिसर्च के लिए आते हैं टेम्प्रेरीली उनके लिए। इन अपार्टमेंट्स को लेने के लिए या आपको अगर ये अपार्टमेंट्स में रहना है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं। पहले ही हर यूनिवर्सिटी में वो प्रोसीजर अवेलेबल है, सो आप पहले ही अपनी कंट्री से ऑनलाइन एप्लीकेशन करके आते हैं और अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो वो आपको एक रूम अलॉट करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। इनका अलग अलग रेंट है, जो लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं उनका रेंट अराउंड $1,000 पर मंथ है और अदर अपार्टमेंट्स का कुछ 600 है, 700 है, शेयरिंग में अवेलेबल है। कुछ फैमिली के हिसाब से स्टूडियो बने हुए हैं, बाकी कुछ सिंगल रूम्स हैं, वन बेडरूम हाउस है। और ये बढ़िया सा, ये देखिए आप, एरिया बैठने के लिए अच्छा लगता है इवनिंग के टाइम पे। यहाँ पे फाउंटेन है जो चलते हैं इसी में और आसपास पूरी हाउसिंग है, चारों तरफ आप देख सकते हैं। काफ़ी रिलैक्सिंग यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, इवनिंग में आप अपना काम ख़त्म करके डिनर विनर करके घूमने के लिए आ सकते हैं। सो उसके हिसाब से बनाया हुआ है पूरा और यहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं अंदर ही, हाउसिंग के अंदर ही पूरा बड़ा सा कॉम्प्लेक्स। सो ये बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, यहीं पे पिकनिक वगैरह भी कर सकते हैं। तो इतना सब देख के आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि एक दिन में या एक वीडियो में यूनिवर्सिटी कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। मास्टर डिग्री जो मैंने ली है उसकी फ़ीस इस इंजीनियरिंग कॉलेज की $1,000 पर क्रेडिट होती है। जो डिग्री है वो क्रेडिट से चलती है, मास्टर डिग्री जनरली 30 क्रेडिट का होता है और 30 क्रेडिट में एक क्रेडिट का फ़ीस होता है $1,000 इन जनरल। कई यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट हैं वहाँ पे $2,000 भी होता है, $1,500 या ऐसी कुछ फ़ीस। तो 1,00,000 रुपये का एक क्रेडिट, तो 30 क्रेडिट की फ़ीस $30,00,000। इस तरह से फीसेज होती हैं, उसमें अलग अलग और भी फीस हैं कि इंजीनियरिंग इक्विपमेंट की फ़ीस, प्रिंटिंग की फ़ीस, खेलने के जो सेक्शन है उनकी फ़ीस। तो बहुत सारी फ़ीस होती है जो आपको पे करना पड़ता है। और मैंने क्योंकि अपनी पूरी एजुकेशन फ्री यहाँ पे की है, वो स्टोरी भी मैंने अभी शेयर नहीं किया है तो वो भी बताता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे GTA या GRA, जिसको बोलते हैं ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट या ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट। तो ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट या ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट अगर आप बनते हैं तो उस केस में आपको फ़ीस नहीं देना पड़ती है, तो पूरी फ़ीस आपके डिपार्टमेंट कवर करता है और आप जो है वो फ्री में एजुकेशन लेते हैं। उसके लिए जो GRE और TOEFL का एग्ज़ाम होता है उनमें आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ता है और आपका एकेडमिक्स जो है, जो आपकी अंडरग्रेड डिग्री है वो अगर आपने अच्छे से परसेंटेज बनाया है तो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए और भी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दूंगा, पर अभी के लिए GTA और GRA ये दो चीज़ें हैं जो अगर आपको मिलता है जॉब के जैसा तो आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई बन जाते हैं और आपको फ़ीस पे नहीं करना पड़ता है। सो फॉर्चुनेटली मैं GTA था और टीचिंग असिस्टेंट था, तो मैं जावा पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, तो जावा पढ़ाता था और क्योंकि मुझे जावा ऑलरेडी आता था, अंडरग्रेड करके आया हूँ इंडिया से, तो जावा पढ़ाता था बेसिक स्टूडेंट्स को, उनके डाउट सॉल्व करना था, करते थे उनके डाउट सॉल्व करो, एग्ज़ाम्स की कॉपीज़ ग्रेड करना, ये सारा काम जो है वो प्रोफेसर नहीं करते यहाँ पे, TAs करते हैं, टीचिंग असिस्टेंट्स करते हैं। तो वो जो जॉब है वो मुझे मिला और वो मेरी पूरी फ़ीस कवर करते हैं और वो मुझे पे भी करते हैं। सो डिपार्टमेंट मुझे पे करता था अराउंड $1,200 या $1,400। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पे स्केल होता है लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे। सो अगर आप एक्सपेंसिव सिटी में हैं तो आपके GTA या GRA का जो पेमेंट है वो ज़्यादा होता है। कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ में $2,000 भी पेमेंट है। आप एज ए स्टूडेंट $2,000 भी कमाते हैं और अपनी एजुकेशन भी फ्री में लेते हैं। सो ये एक तरीका है फ्री में अपनी मास्टर डिग्री लेने का। और PhD जनरली फ्री होती है, सो अगर आप PhD की डिग्री कर रहे हैं यहाँ से तो वो हमेशा फ्री होती है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं और हाउसिंग कैसे है, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, सो कई चीज़ें हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में जो आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। रेक सेंटर है, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं,
टी शर्ट्स हैं, कई सारे सुवेनियर्स हैं, रहने की फैसिलिटी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, कई सारे डिपार्टमेंट और कई तरह की पढ़ाई होती है। सो ओवरऑल आप प्लीज़ मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यूनिवर्सिटी मैंने पूरा कवर किया है। एक और वीडियो जिसमें मैं आपको पूरा रेक सेंटर दिखाऊंगा वो भी जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूर सभी के साथ शेयर करें अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी आप बता सकें कि कैसी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मैं आंसर कर पाऊं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ कवर करूं अमेरिका से रिलेटेड या कहीं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मैं उन चीज़ों का आंसर कर पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सैटरडे 8 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।